If you're new to my channel, press the subscribe button and press the bell icon to never miss any update from my channel. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का T24 टाइम चैनल में। मैं आर्किटेक्ट यूट्यूब चैनल से ऋतिक पटेल आप सभी लोग का T24 टाइम चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि आप लोग F250 बाइक को कैसे डाउनग्रेड कर सकते हो, उसमें किस तरह से ओमनी HD को इंस्टॉल कर सकते हो, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए गाइज, और इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और गाइज, मैं सबसे बड़ा थैंक्स बोलना चाहूँगा T24 टाइम भैया को, और ने हमें हम पर विश्वास करके अपने चैनल पर ये वीडियो अपलोड करने का मौका दिया मुझे। तो गाइज, आज की इस वाली वीडियो को पूरा देखते रहना और इस वीडियो को अच्छा रिस्पांस देना, जिससे कि हम अगले मॉडल्स को भी डाउनग्रेड कर सकें। और भाई लोग, आप लोग को इस वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है। आप लोग ऐसा नहीं है कि आप लोग का मॉडल ये नहीं है तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ना देखो, तो आप लोग को इस वीडियो को पूरा देखना है, जिससे कि आप भी अपने मॉडल को समझ सको कि कितनी मेहनत लगती है इस मॉडल में वीडियो बनाने में, और ये सब करने में कितना मेहनत लगता है ये सब आपको पता चले। तो ठीक है गाइस, सबसे पहले आपको क्या करता हूं, मैं चेक करा देता हूं सेटिंग्स में जाके। आप लोग को पहले तो मैं सेटिंग्स में जाके चेक करा देता हूं कि मेरा मॉडल F250 बाई है। तो देख लीजिए गाइस, यहां पे देख सकते हो डिवाइस इंफॉर्मेशन में आता हूं और यहां पे देख लीजिए F250 बाई मॉडल है। और यहां पे मोर इन्फॉर्मेशन में जाके मैं आपको यहाँ पे बिल्ड नंबर भी चेक करा देता हूँ गाइस। तो देख सकते हो यहाँ पे मैं मोर इन्फॉर्मेशन में आ चुका हूँ, और यहाँ पे बिल्ड नंबर देख लीजिए, यहाँ पे आपको पुराना वाला बिल्ड नंबर देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए गाइस, हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो गाइस, हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पे देख सकते हैं मैं डेस्कटॉप पर यहाँ पे ओमनी HD फाइल और डाउनग्रेड फाइल दोनों रखा हूँ। तो आप लोग को क्या करना है, डिस्क्रिप्शन से सिंपली डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हो ये ओमनी HD फाइल है, और इसे आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है 7zip से। आप 7zip का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक्सट्रैक्ट हेयर कर सकते हो। और गाइस, आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ सभी चीज़ का, तो आप लोग बिल्कुल निस्फिक्र हो जाए, आप लोग डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो सब कुछ। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस, आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ, यहाँ पे तीन फोल्डर मिल जाने वाले हैं। आप लोग एक्सट्रैक्ट करोगे डाउनग्रेड फाइल को तो तीन फोल्डर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस, यहाँ पे तीन फोल्डर आप लोग को दिख रहे होंगे। यहाँ पे LYF F250Y की यहाँ पे फ्लैश फाइल, मतलब डाउनग्रेड फाइल है ये, और ऊपर आपको ड्राइव इंस्टॉल करने के लिए मैं दे रहा हूँ, तो आप लोग इसे जरूर इंस्टॉल करें। और गाइस, यहाँ पे क्यू फिल टूल देखने के लिए मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, क्यू फिल टूल का यहाँ पे फुल सेटअप इंस्टॉल करना है, और यहाँ पे विन वाले सेक्शन में आना है और स्क्रॉल करके सबसे नीचे की तरफ आ जाना है। आपको यहाँ पे क्यू फिल देखेगा हरे कलर में, इसे आपको क्या करना है, रन एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करके इसे रन कर लेना है। गाइस, मैं यहाँ से रन नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से मुझे प्रॉब्लम होता है थोड़ा सा और यहाँ पे मेरे पीसी में, लेकिन यहाँ से ओपन करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं क्यू लिखता हूँ और यहाँ पे क्यू फिल आ जाता है। यहाँ से मैं ओपन करता हूँ तो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो देख सकते हो ये ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद गाइज, आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है गाइज, फेटा बिल्ड पर क्लिक करना है, और सिंपली आपको क्या करना है, ब्राउज पर क्लिक कर देना है। जब जाइए यहाँ पे फेटा बिल्ड पर जरूर से क्लिक कर लेना। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ब्राउज पर क्लिक करना है। ब्राउज पर क्लिक करने के बाद आपको डेस्कटॉप सेलेक्ट करना है। डेस्कटॉप पर आने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद F250 डाउनग्रेड फाइल यहाँ पे आपको इसको सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका फ्लैश फाइल सेलेक्ट करना है। तो आपको बीच वाला सेलेक्ट करके यहाँ पे प्रोग्रामर सेलेक्ट कर देना है, और यहाँ पे लोड XML पर आना है, और यहाँ पे आपको राव प्रोग्रामर सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे पैथ 0। ठीक है, ये सब काम हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है गाइस, पोर्ट सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए हम मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं, और आपको क्या करना है गाइस, अपने फ़ोन की बैटरी निकाल देनी है। तो देख लीजिए गाइस, कुछ इस तरह से आपको क्या करना है, फ़ोन की बैटरी को निकालना है। यहाँ पे मॉडल देख लीजिए गाइस, मॉडल देख लिया। चलिए अब हम बैटरी इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के बाद गाइस क्या करना है, स्टार और हैज की इसकी बूट की है, तो आपको इसको प्रेस करके फ़ोन को कनेक्ट करना होता है। तो देख लीजिए गाइस, कुछ इस तरह से आपको क्या करना है, स्टार और हैज बटन दबा के कनेक्ट करना है। यहाँ पे देख लीजिए फ़ोन ब्लिंक करेगा जैसे ही मैं डाटा केबल अंदर करता हूँ, और यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोन ब्लिंक किया और डाटा सिस्टम से आवाज़ आएगी। और आप क्या करते हैं, फ़ोन को साइड में रखते हैं और चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर गाइस। तो देख सकते हो यहाँ पे क्या करना है गाइस, यहाँ पे देख सकते हो कॉइल कम आपका यहाँ पे पोर्ट शो कर जाएगा, पोर्ट यहाँ पे शो नहीं करता, तो आपको क्या करना है, पोर्ट सेलेक्ट पर क्लिक करके इसे पोर्ट सेलेक्ट कर लेना है, और आपको क्या करना है, सिंपली डाउनलोड पर क्लिक कर देना है गाइस। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हो हमारी डाउनग्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी, कोई भी एरर नहीं आने वाला है गाइस। और गाइस, मैं सबसे बड़ा थैंक्स बोलना चाहता हूँ T24 टाइम भैया को, जो कि हमें इतना बड़ा मौका दिया उनने अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करने का। तो भैया आपका थैंक्स, और ये वाली फाइल का फुल क्रेडिट T24 टाइम चैनल को जाता है, जो कि भैया का चैनल
है और मैं इस चैनल पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों मुझे इस चैनल पे वीडियो अपलोड करने पर। और भैया को बहुत ही दिल से थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि मुझे इतना बड़ा मौका दिया उनने, तो भैया आपको थैंक्स। और गाइज यहाँ पे देख सकते हो हमारा मॉडल यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे डाउनग्रेड हो चुका है और यहाँ पे सक्सेस का मैसेज आ चुका है गाइज, तो देख ही सकते हो। सक्सेस का मैसेज आने के बाद गाइज आपको क्या करना है, सो गाइज अब आप क्या करते हैं, लगातार ही हम क्या करते हैं, अब ओमनी SGB इंस्टॉल कर लेते हैं। तो चलते हैं अब अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और गाइज यहाँ पे देख सकते हो आपको क्या करना है, ढक्कन निकाल के आपको एक बार डाटा केबल अलग करना है और आपको क्या करना है गाइज फोन को ऑन करके चेक कर लेना है ऑन होता है या नहीं होता है। अब उसके बाद क्या करना है, आपको सेम प्रोसेस करना है, स्टार और हैश दबा के फोन को फिर से कनेक्ट कर देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। कनेक्ट करने के बाद क्या करना है, अब हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और ओमनी SD को भी फ्लैश कर लेते हैं गाइज। और गाइज आप लोग को क्या करना है, ओमनी SD फ्लैश करना है, उसके लिए आपको क्या करना है गाइज वैसे सेम प्रोसेस रहने वाला है। आपको क्या करना है, यहाँ पे पोर्ट सेलेक्ट कर लेना, पोर्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको डेस्कटॉप पर आ जाना है गाइज। डेस्कटॉप पर आने के बाद गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको F250 Omni SD फाइल इसे सेलेक्ट करना है और फिर आपको इसका प्रोग्रामर सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे लोड एक्सटर्नल क्लिक करके राव प्रोग्रामर और पैथ जीरो सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद डाउनलोड पर क्लिक कर देना है और ये कुछ ही सेकंड्स में हमारी फाइल फ्लैश हो जाएगी और विदाउट एरर होने वाला है ये सब। और आप लोग ओमनी SD हॉटस्पॉट यूज़ कर सकते हो और गाइज यहाँ पे देख सकते हो कितने जल्दी यहाँ पे हमारी ओमनी SD फाइल यहाँ पे चली गई है। और गाइज आपको क्या करना है, इसे क्लोज कर देना है। और गाइज आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं चलता हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पर और आपको दिखाता हूँ कि ओमनी SD फाइल गई है कि नहीं। और यहाँ पे देख सकते हो गाइज मैं मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका हूँ और आपको क्या करना है गाइज, यहाँ पे डाटा केबल से निकालना है और सिंपली आपको फ़ोन का बैटरी निकाल के इंसर्ट करना है और फ़ोन को ऑन कर लेना है गाइज। तो देख ही सकते हो गाइस फोन ऑन यहाँ पे हो रहा है। और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, 24 टाइम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो यार, ऐसे ही कमाल की वीडियोस आपको चैनल पे देखने के लिए मिल जाएंगी जियो फोन से रिलेटेड। और जियो फोन में हॉटस्पॉट किस तरह से यूज़ करना है वो भी आगे बताने वाला हूँ आपको, लिंक और ऑटो अपडेट किस तरह से ब्लॉक कर सकते हो ये भी आपको पूरा देखना, नहीं तो आप लोग का फ़ोन बार बार अपडेट हो जाएगा, आप बार बार डाउनग्रेड करोगे। तो आप लोग को इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहना, लास्ट में बताने वाला हूँ कि आपको कौन सा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और कहां से डाउनलोड करना है वो भी मैं लास्ट में बता दूंगा आपको। तो देख ही सकते हो गाइस यहां पे हमारा फोन यहां पे ऑन हो रहा है और सक्सेसफुली यहां पे हमारा फ़ोन डाउनग्रेड हो जाएगा इस वाली फाइल से। आप लोग को डिस्क्रिप्शन में फाइल का लिंक दे दूंगा, जाके सिंपली आप लोग क्या करना, फाइल पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना, बिल्कुल वन क्लिक में डाउनलोड हो जाती है। अगर डाउनलोड करने नहीं आता है तो कमेंट कर देना। और गाइज यहाँ पे देख सकते हो हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है और यहाँ पे देख लीजिए गाइज फ़ोन ऑन होने के बाद यहाँ पे देख सकते हो हमारा फ़ोन डाउनग्रेड हो चुका है और ओमनी SD भी आ चुका है गाइज। तो ओमनी SD आने के बाद आप क्या करते हैं, ओमनी SD फाइल में कुछ भी नहीं है तो हम पहले फाइल डाल लेते हैं और मैंने फाइल डाल ली है गाइज ब्लूटूथ के थ्रू, आप भी डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन से। और फाइल मैंने डाल ली है और यहाँ पे देख सकते हो JJ हॉटस्पॉट इंस्टॉल कर लेते हैं जो कि हॉटस्पॉट के काम आएगा और यहाँ पे स्टॉप एप्लीकेशन कर लेते हैं जो कि ऑटो अपडेट ब्लॉक करने के काम आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑटो अपडेट ब्लॉक करने के लिए इस एप्लीकेशन को क्या करना है गाइज, आप लोग को क्या करना है गाइज तो मैं फिर से बताता हूँ आपको, आपको क्या करना है सिंपली आपको ऑटो अपडेट पर यहाँ पे जो कि स्टॉप एप्लीकेशन रहेगी इसे ओपन करना है, ओपन करने के बाद इसे छोड़ देना है और आपको क्या करना है बैक आना है और सिंपल चलना है सेटिंग के अंदर। और मैं आपको चेक करा देता हूँ गाइस सेटिंग्स के अंदर आने के बाद, और यहाँ पे देख लीजिएगा इस सेटिंग्स के अंदर आने के बाद यहाँ पे आपका, यहाँ पे देख सकते हो गाइस यहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर अपडेट का मैं वो सेक्शन ही गायब हो चुका है, इसकी कारण आपका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होगा। एक बार आप मैं डाटा ऑन करके आपको दिखा दूँ कि क्या मैसेज आता है, आपको उस मैसेज में करना क्या है। तो देख ही सकते हो गाइज यहाँ पे मैसेज आने ही वाला है, तो यहाँ पे देख लीजिए मैसेज आ चुका है गाइज। मैसेज आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे डाउनलोड पर क्लिक नहीं करना है, आपको कैंसिल कर देना है। कैंसिल करने के बाद आप हमेशा के लिए ओमनी SD यूज़ कर सकते हो। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ अगली नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर T24 टाइम चैनल जिस Yeah.